हेलो गाइस, अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं वो भी बहुत ही कम प्राइजेस में, तो इसके लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ओ लेवल का नया डेट इशू हो चुका है, जो कि नया रजिस्ट्रेशन आपका होने लगा है, आज से आपका स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए देखिए क्या प्रोसीजर होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, वेबसाइट पर आप विजिट करके चेक कर सकते हैं कि आज से आपका नया ये डेट आपका रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट हो गया है डायरेक्ट एज़ वेल एज़ इंस्टीट्यूट कैंडिडेट के लिए। ये आपका लास्ट डेट जो रहेगा वो 30 सितंबर तक रहेगा, जिसके माध्यम से आप अपना नया रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ओ लेवल ईजी वे में पास कर सकते हैं। अब ईजी वे में कैसे पास करेंगे, इसके लिए देखिए मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ क्या करना होगा। आप अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं, देखिए अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से आप यहाँ से डायरेक्टली ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अप्लाई करने के साथ साथ जैसे कि आप यहां पे देखेंगे कि इसका कुछ फॉर्म वगैरह रहेगा, फॉर्म यहां पे आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए एग्री क्लिक करेंगे, आपका पूरा ये फॉर्म आपका यहां पे फिल करना होगा। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको यहां पे फिल करना होगा, जैसे कि अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट चॉइस करेंगे, अगर आप इंस्टीट्यूट के माध्यम से चॉइस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट चॉइस करेंगे। अब देखिए इसकी फीस जो रहेगी केवल 500 रुपीज़ होती है। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप लेते हैं तो कोई इशू यहाँ पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट के माध्यम से अगर लेते हैं तो वहाँ पर इंस्टीट्यूट वाले काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट यहाँ से लें, और अगर आप हमारे माध्यम से कराना चाहते हैं उसके लिए भी एक अलग प्रोसीजर है, आपको ओपनली मैं बता देता हूँ अंदर की बात, जो कि आप यहां पे इजी वे में देख पाएंगे। अब ये देखिए अगर आप डायरेक्ट यहां पे फॉर्म फिल करते हैं तो इसके लिए देखिए आपको यहां पे आपका फुल नेम वगैरह फिल करना होगा, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, और यहां पे आपका जेंडर हो गया और डेट ऑफ बर्थ, और इसके साथ साथ आपका मैरिज स्टेटस आपका क्या है, कैटेगरी क्या है, ये सारा डिटेल आप यहां पे फिल करेंगे। गाइज ये तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये पूरा आप इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप हमारे माध्यम से कराना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए यही चार्जेस आपको केवल देना होगा। लेकिन आपके लिए यहाँ एक और ट्रिक ये भी बताया जाएगा, जो कोई भी आप अगर यहाँ पर ओ लेवल अगर आप कर रहे हैं, इस ओ लेवल में आप अगर चाहें तो एक साथ चारों पेपर भी दे सकते हैं। अब चारों पेपर का मतलब M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, या M4 हो गया, ठीक है, कोई भी पेपर आप इजी वे में दे सकते हैं, या चारों के चारों एक साथ भी आप देना चाहें तो भी बहुत इजी वे में आसानी से दे सकते हैं। अब इसके लिए देखिए आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ पे एग्जामिनेशन आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए देखिए आपको एक लॉगिन पोर्टल अलग से तैयार करना पड़ता है। जैसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आप ये रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके तुरंत बाद आपको 10 से 15 दिन के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा, आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट कैसे क्रिएट होता है ये मैं अपने चैनल पे मैं डाल दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से किस तरीके से अकाउंट क्रिएट किया जाता है। इसके बाद भी अगर ये सारा चीज़ कॉम्प्लेक्स आपको ऐसा लगता है कि सारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसके माध्यम से देखिए आप अगर हमारे माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो कि आपको केवल और केवल 9000 यहाँ पे करना होगा, जिसके लिए हमारा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन का चार्ज भी कुछ भी नहीं देना होगा, प्लस जो आपके चार पेपर होते हैं, जो भी आपके चार टोटल पेपर होते हैं, वो भी आपको कोई भी चाहे M1 हो जाएगा, चाहे M2 हो जाएगा, चाहे M3, चाहे M4 हो जाएगा, कोई भी पेपर का चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिकल एक होता है उसके भी आपको चार्जेस नहीं देने होंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूँ अगर M1 के हिसाब से अगर यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 750 रुपये प्लस आपके 100 रुपये के आपके फ़ीस लगते हैं, मतलब 850 रुपये आपके टोटल फ़ीस लग जाते हैं। इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल आपका होता है इसके भी 500 रुपये आपको देने होते हैं। अब देन इसके बाद मैं बता दूं, आप अगर प्रोजेक्ट देना चाहते हैं, प्रोजेक्ट भी आपको सबमिट करना कंपलसरी होता है, जो कि 100 रुपीज़ आप DD के माध्यम से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से आप एक प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना होता है, तब जाके सारा प्रोसीजर होगा। अगर मेरे माध्यम से रजिस्ट्रेशन लेते हैं सारा ये इसकी जिम्मेदारी हमारे थ्रू रहेगा। इसके बाद अब बात करेंगे अगर स्टडी मटेरियल की, स्टडी मटेरियल भी हमारे पास पूरी तरीके से अवेलेबल है, जो कि आप PDF के फॉर्म में अगर लेना चाहेंगे तो PDF के फॉर्म में आपको मिलेगा, और साथ ही साथ इसके क्लास के हर एक एवरी क्लास के रिकॉर्डेड क्लास जो ऑनलाइन क्लासेस मैं लेता हूँ, सारे क्लासेस के आपके लेक्चर आपको मिल जाएंगे इसी 9000 रुपीज़ में ही। तो अगर ऐसा ऑफर आप लेना चाहते हैं जल्द ही देर ना करें, क्योंकि ये जो आपका रजिस्ट्रेशन का चार्जेस मैं आपको टोटल 9000 बता रहा हूँ, ये आपके स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट को ही केवल दिया जाएगा, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि 50 का ही बैच मैं लेके चलता हूँ, उससे ज़्यादा का बैच मैं नहीं लेके चलता हूँ।
इसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट लगता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर रहेगा देखिए यहाँ पे डिस्प्ले पे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसके माध्यम से आप यहाँ पे पूरी तरीके से देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है तो आप हमें व्हाट्सअप आज ही करें और ये ऑफ़र का फ़ायदा उठाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।